गोपालगढ़ गांव में मोहन अपनी पत्नी के साथ सो रहा था। आधी रात अचानक कुत्ते के रोने की आवाज से मोहन की नींद खुल गई। मोहन घर के आंगन में डरा हुआ सा जाकर देखता है। हे प्रभु, ये कुत्ता आज इतना क्यों रो रहा है? आज रात हम उसको अपने साथ लेकर ही चलेंगे। माला, कल रात दो चुड़ैल अपने आंगन में थी। वो आपस में कुछ बातें कर रही थी। मैं डर के मारी सारे रात सो भी नहीं पाया। आप भी ना, लगता है कल रात आपने कोई भयानक सपना देख लिया। चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता। मैं सच कह रहा हूँ माला। आप जल्दी से नहा लीजिए, काम पर भी तो जाना है। मैं आपके लिए भोजन बनाती हूँ। थोड़ी ही देर में माला खूब सारे भोजन के साथ मोहन के सामने आती है। ये लीजिए, आपके लिए गर्मा गर्म स्वादिष्ट भोजन तैयार है। अरे माला, तुम कोई जादूगर तो नहीं हो ना? अभी तो रसोई में गई थी, अभी इतना सारा भोजन भी बना लाई। व्यंजन बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं हर तरह का भोजन चुटकियों में बना सकती हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो रोज तीनों पहर स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलता है। चलो अब मैं चलता हूँ। ठीक है, शाम समय से घर आ जाना। माला, तुम भी अपना ध्यान रखना। याद है ना वो रात का सपना? ऐसा कुछ नहीं है, आप चिंता ना करें। मोहन साइकिल ले अपनी दुकान की तरफ निकल पड़ा। चलते चलते उसे सुनसान मार्ग पर एक बकरी का बच्चा मिला। अरे, यह बकरी यहाँ अकेली है। लगता है ये रास्ता भटक गई। इसे अपनी साइकिल पर बिठाकर आगे बाजार में छोड़ देता हूँ। यह साइकिल इतनी भारी कैसे हो गई? ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने 4-5 लोगों को पीछे बिठा रखा है। कौन हो तुम? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कब से तेरा अकेले होने का इंतजार कर रही थी। आज तो तू बच गया। एक तो तेरे पास लोहे की साइकिल और दूसरा तेरी पत्नी ने यहाँ आकर मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। परंतु माला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप अपने दिन के भोजन का डब्बा घर पर ही भूल आए थे, बस वही तो देने आ रही थी। माला, आज समय पर आकर तुमने मेरी जान बचा ली। मैंने कहा था ना कि कल रात मैंने आंगन में चुड़ैल को देखा था। लगता है वही चुड़ैल इस बकरी के रूप में आई थी। वही तो, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मोहन बहुत डरा हुआ होता है और मार्ग में माधव से मिलता है। अरे मोहन भैया, राम राम, ध्यान कहाँ है आपका? राम राम पंडित जी, बस व्यापार के बारे में ही सोच रहा था। पंडित जी, एक बात बताइए, क्या छलावा होता है सच में? मेरी मानो तो ऐसा कुछ नहीं होता, परंतु आज आपको ये पूछने की क्या सूझी? पता नहीं, मेरे साथ पिछली रात से कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। कैसी घटनाएं भैया? मोहन माधव को सारी बात विस्तार से बताता है। भैया, आप आज किस्मत से बच गए। अपना बहुत ध्यान रखें। जब भी कुछ अजीब आभास हो तो हनुमान जी को याद कर लेना, सारे डर और संकट मिट जाएंगे। ठीक कह रहे हो पंडित जी, अब से यही करूँगा। अच्छा, चलता हूँ, दुकान के लिए देरी हो रही है। रात को मोहन घर थोड़ा जल्दी वापिस आ जाता है। माला, ओ माला, कहाँ हो तुम? अभी आती हूँ। कहो क्या बात है? देखो, मैं तुम्हारे लिए उपहार लाया हूँ। वही तो, दिखाओ कैसा उपहार लाए हो। ये लो, मैं तुम्हारे लिए एक दर्पण लेके आया हूँ। दर्पण क्यों? अरे, तुम्हें साज सिंगार का बहुत शौक है ना, और फिर हमारे घर में दर्पण नहीं है, इसीलिए लाया हूँ।
मुझे माफ कर दीजिए, ये तो मुझसे टूट गया। अरे माला, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है, एक दर्पण ही तो था। आज के दिन कुछ भी सही नहीं हो रहा है। हे हनुमान जी, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। आप भगवान को क्यों याद कर रहे हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? आज दुकान जाते समय पंडित जी मिले थे, मैंने उनको सारी बात बताई तो उन्होंने मुझे हनुमान जी का जाप करने को कहा। आप बिना बात ही घबरा रहे हैं, चलो अब हाथ मुंह धोकर भोजन कर लो। वाह माला, भोजन तो बड़ा ही स्वादिष्ट बना है। माला, आज मैं काफी थक गया हूँ, इसीलिए जल्दी सोने जा रहा हूँ। आज मध्य रात्रि फिर से मोहन को कुछ अजीब आभास होता है और उसकी नींद खुल जाती है। माला, ओ माला, जल्दी उठो, सुनो आज फिर कुत्ते के रोने की आवाज आ रही है। माला तो नहीं उठ रही है, लगता है दिन भर की थकान से गहरी नींद में सोई है। मैं ही बाहर जाकर देखता हूँ क्या बात है। मोहन को बाहर कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वह दीवार के पीछे छुपकर सब सुनता है। इस बार बाहर दो नहीं बल्कि तीन चुड़ैल थी। अच्छा हुआ आज तुम आ गई, आज हम तुझे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। नहीं, तुम कुछ मत करना, मैं आ रही हूँ तुम्हारे साथ। यह मैं क्या देख रहा हूँ? हे प्रभु, हे मेरे हनुमान जी, मेरी रक्षा करना। अंदर जाकर माला को देखता हूँ, वह तो ठीक है ना? यह क्या, माला तो यहाँ नहीं है, कहीं उन चुड़ैलों ने तो माला के साथ कुछ नहीं किया है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? माला को कमरे में न पाकर मोहन बहुत डर जाता है। क्या हुआ होगा माला के साथ, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें। धन्यवाद।